दोस्तों, मैं आपका दोस्त टेक मास्टर। मैं आज आपके लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें डीके चैंपियन 160 डीआई ट्रैक्टर का टेक्निकल रिव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से पहले हम लुक देखेंगे, काफ़ी अच्छा लुक है। और डीके चैंपियन 120 और 160 में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। लुक वाइज दोनों सेम रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो पहले ही देखेंगे हम इसका इंजन, जो गुरिज कंपनी का है, जो 16 हॉर्स पावर देता है। काफ़ी अच्छा इंजन है। और हमें डीके चैंपियन 120 में 12 का है, इसमें 16 का है, मतलब डिफरेंस है इंजन में। और लुक वाइज सेम है। तो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले खोलेंगे इसका बोनट जो यहाँ पे है, तो इसका खोलेंगे बोनट। बोनट खुल चुका है और डीके चैंपियन का बड़ा अच्छा लोगो। और हमने खोला बोनट और एक गुरिज कंपनी का इंजन। ये हमारा रेडिएटर, ये हमारा फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है 120 और 160 में। बात करें लुक में, तो लुक भी काफ़ी अच्छा है 120 डीआई और 160 में। ये हमने हेडलाइट देख लिया, अब इसमें देखेंगे एयर क्लीनर। काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है दोस्तों, बढ़िया सा एयर क्लीनर। मुझे तो लुक बहुत अच्छा लगा एयर क्लीनर का। और स्टार्ट करेंगे हम गियर से। तो ये हमारा गियर है, तो इसमें 3 गियर है, 1 2 3, मतलब 6 हो गए रिवर्स और फॉरवर्ड के, हाई लो रिवर्स फॉरवर्ड मिला के 8 गियर हुए। और ये हमारा क्लच, काफी अच्छा ट्रैक्टर है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें पैनल, इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट पैनल आता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक और ये मैन्युअली, दोनों आपको मिल जाएंगे। और स्टार्ट करते हैं। ये अपना है, ये अपना इग्निशन है, तो इसको मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है अपना मैन्युअली। तो अभी इसमें ये हमारा हेडलाइट विथ ऑन, मैं आपको हेडलाइट करके दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, ये हेडलाइट स्टार्ट हो गया है। ये अपना है ऑन। तो ये है पार्किंग लाइट, जिसमें हम ट्रैक्टर को रोड पे कहीं भी चलाते वक्त अगर कहीं रुकना है तो पार्किंग लाइट छोड़ के हम रख सकते हैं, जिससे सामने वाले को पता चले कि ट्रैक्टर कोई भी व्हीकल खड़ा है। पार्किंग लाइट का यूज़ यही है। और इसमें है इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, बढ़िया। इस साइड का हमने इंडिकेटर देख लिया है, इस साइड का देख लेते हैं। इंडिकेटर स्टार्ट हो गया है, काफ़ी अच्छा है। और ये अपना स्टॉप केबल, जो ट्रैक्टर बंद करने में काम आता है, मतलब काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। और बात करें इसका हाइड्रोलिक कैपेसिटी, जो 200 केजी तक उठा सकता है। और बात करें इसके पीटीओ पावर की, तो ये 540 दे देगा, मतलब काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है।
कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर है अपने किसान भाइयों के लिए। और बाकी बात करें, ये अपना है हैंड रिवल, और इसमें हम बात करें ये अपना है पार्किंग ब्रेक, ये ब्रेक है, और ये अपना पीसी लीवर और डीसी लीवर। पीसी लीवर में जो पोजीशन ड्राफ्ट मिले बोले ड्राफ्ट सेंटर काफ़ी अच्छा है। और ये है अपना प्लाव लाइट, काफ़ी लुक में अच्छा है। और टायर की साइज़ के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो टायर की साइज़ है 5, 50, 10 जो फ्रंट टायर है। और रियर टायर की हम बात करें तो रियर टायर की साइज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 6-16 का है रियर टायर, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ये हमारा इग्निशन और ये पैनल हमारा स्टार्ट हो गया है। मैं इसमें बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक भी मिल जाएगा और मैनुअल भी मिलेगा। तो मैं ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा, स्मूथली शिफ्टिंग हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। तो इसी तरह से हमारे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल टेक मास्टर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।